7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से हमास ने इसराइल पर कई रॉकेट्स दागे। इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन मर्माहत हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यकीनन मर्म होना भी चाहिए। ऐसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब एक मासूम मरता है तो उसके साथ पूरी इंसानियत भी मर जाती है। लेकिन जिस तरह फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिक मर रहे थे, ठीक उसी तरह देश में मणिपुर हिंसा भी हो रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के राष्ट्रवादियों की आत्मा उस समय मर्माहत नहीं हुई। उस समय ट्विटर पर #IStandWithIsrael के तरह #IStandWithManipur ट्रेंड नहीं किया। ये भी हो सकता है कि अखंड भारत का सपना देखकर सोने वाले देश के राष्ट्रवादियों की परिकल्पना में नॉर्थ ईस्ट आता ही ना हो। शायद इसी वजह से सालों तक राष्ट्रवादियों की पहुंच से इरोम शर्मिला की चीख दूर रही और अब मणिपुर की चीख भी दूर है। राष्ट्रवादी एक्टर और पद्मश्री सम्मानित कंगना रनौत मणिपुर की हिंसा पर चुप रहती हैं, इसराइल के मामले में मुखर हो जाती हैं। जब पत्रकार उनसे मणिपुर पर सवाल करते हैं तो वो बात को घुमा कर कहती हैं कि मैंने मणिपुर की हिंसा पर जब बयान दिया तो मेरी वहाँ पर रह रही मणिपुरी दोस्तों को उससे खतरा होता, इसलिए मैंने आगे कोई बयान नहीं दिया और अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। हालांकि उनके डिलीट ट्वीट के स्क्रीनशॉट कहीं भी मौजूद नहीं है। मैंने क्यों नहीं बोला मणिपुर में? ऑफ कोर्स मैंने उसमें वहाँ पे जो मणिपुर की महिलाओं के साथ हुआ, तो फिर अगर देश के बारे में राष्ट्रवाद है, भक्ति है, तो फिर मणिपुर क्यों नहीं? मेरी फ्रेंड्स मणिपुर से है और मैंने ओपनली उसको उस वायलेंस को कंडेम किया। एंड उसके बाद में मैं वहाँ की कम्युनिटीज के लिए जब बोल रही थी तो उनके मुझे मैसेज आए कि आप, क्योंकि वो जानते हैं, वो मेरी फ्रेंड्स हैं, कि उनकी फैमिली थोड़ी खतरे में हो सकती है, तो उन्होंने मुझे मना किया, कि टेक डाउन करने के लिए कहा, बट मैंने काफ़ी उस चीज़ को कंडेम किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी इसराइल फिलिस्तीन के मामले पर बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब सरकार के कई मंत्री और सांसद इस मामले पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं तो सभी लोगों को अधिकार होना चाहिए अपनी बातों को रखने का। लेकिन इसराइल फिलिस्तीन मामले पर जो भी अपना पक्ष सरकार के पक्ष से अलग रख रहा है, सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कह रही है। 9 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली। जब सरकार अपना पक्ष रख सकती है तो छात्रों को भी अधिकार है ही अपने बातों को रखने का। लेकिन प्रशासन इस्लामोफोबिया के बुखार में ऐसी ग्रसित थी कि पुलिस ने 4 छात्रों सहित कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। सब इंस्पेक्टर अजहर हसन ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। छात्रों के ऊपर IPC की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, IPC की धारा 188 यानी लोक सेवक के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करना और IPC की धारा 505 यानी स्टेटमेंट कंड्यूसिंग इन पब्लिक मिसचीफ लगाई गई है। ये धारा किन मामलों पर लगती है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने मानवाधिकार अधिवक्ता विशाल कुमार से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, जो MU में FIR हुई है इसराइल और फलस्तीन के सपोर्टर्स और इन सब चीज़ों को लेकर, उसमें 3 सेक्शंस मेजरली लगे हुए हैं IPC के। नंबर 1 है 153A, नंबर 2 188 और 505 ऑफ IPC। जो 153A है IPC का, वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है धर्म, रिलीजन और समुदाय इत्यादि के बीच में एनिमिटी, नफरत इत्यादि फैलाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी कार्य करता है तो वो पनिशेबल है, 3 साल तक की सज़ा और उस पर फाइन वगैरह लगाया जा सकता है। एंड दिस इज़ ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में ये मामले चलते हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो 188 है। 188 कहता है कि यदि कोई सरकारी सेवक के किसी बात का या किसी प्रकार के आदेश का अवहेलना करता है तो वो सिंपल सा सेक्शन है, उसमें 1 महीने तक का सजा है, कैद है, और 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरा 505 है। 505 भी इसी तरह का है कि यदि कोई उन्माद फैलाने के इससे व्यू से या उन्माद फैलाने के
अपने महत्वाकांक्षा से किसी प्रकार का कोई भी प्रोटेस्ट इत्यादि करता है या किसी भी प्रकार का भीड़ भाड़ वगैरह लगाता है तो उस पर 500 फाइन लगता है। अब इस FIR से जो परेशानी निकल कर सामने आती है वो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, उनका जो एकेडमिक इंटरेस्ट है, उनका जो करियर प्रोस्पेक्ट है, उस पर तो परेशानी आती ही आती है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के FIR क्यों हुए, इस तरह का FIR होना सही है कि नहीं है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है। क्योंकि जो जैसा बताया गया है कि प्रोटेस्ट विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस चल रहा था, यदि किसी को ऑब्जेक्शन होती यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहले या तो प्रॉक्टर या वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार एडमिन जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होती और वो जाकर कहीं पर FIR कराते या अपने जो भी यूनिवर्सिटी कैंपस में जो पुलिस होती है OP होता है वहाँ पर जाकर वो एक तहरीर देते, अपना एक वहाँ पर FIR देते, कंप्लेंट देते। लेकिन इस मामले में जो FIR है वो सिविल लाइन्स थाने में करवाई गई है अलीगढ़ के, और उसमें भी जो FIR करने वाला है, जो इन्फॉर्मेंट है इस FIR का, वो वहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर किसी छात्र ने या छात्र के समूह ने किसी भी प्रकार से इसराइल या फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया या उसका बहिष्कार किया, इससे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि SI को कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि SI का तो इसमें कोई भी धार्मिक भावना नहीं आहत हो रहा है, ना तो SI को किसी प्रकार से कोई ऐसी तहरीर दी गई या ऐसा कोई लेटर दिया गया या ऐसा कोई नोटिस दिया गया बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कि हाँ यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और हम FIR करने चाह रहे हैं। इस प्रकार का कोई भी यूनिवर्सिटी का व्यक्ति इसमें किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है। जिसने FIR किया है, जो शिकायत करता है, वो उसका एक SI है जो कि एक सरकारी सेवक के डेफिनेशन में आता है। सबसे पहले बात तो ये आती है। दूसरा बात ये आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बस अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे थे, वो किसी भी प्रकार से कोई भी ये हिंसा नहीं फैला रहे थे या किसी भी प्रकार से कोई भी मारपीट इत्यादि, किसी भी क्लैश जो है, किसी भी प्रकार का क्लैश स्टूडेंट्स के ग्रुप में या प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में या किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और छात्र आमने सामने नहीं आए हैं इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर बस छात्रों ने एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम जो है सपोर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का, इसराइल का सपोर्ट या फिलिस्तीन का सपोर्ट हम ऐसे करते हैं, हमारा ओपिनियन में ऐसी बात आ रही है। लेकिन अब अगर वो वहाँ पे, चूंकि ये इंटरनेशनल मैटर है, इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस का मैटर है, और हमारा किस देश के बारे में क्या ओपिनियन है वो किसी भी प्रकार से हमारे देश के अंदर रहने वाले धर्म को, अलग अलग समुदाय के व्यक्तियों को इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी हानि या किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होता है। दिस FIR इज जस्ट डेट्रीमेंटल टू द करियर प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर वन इन माई ओपिनियन। नंबर टू, दिस पर्टिकुलर FIR इज अ काइंड ऑफ बर्डन ऑन द लीगल सिस्टम, बिकॉज उस FIR के कारण अब जो है छात्रों को एंटीसिपेटरी बेल इत्यादि लेना पड़ेगा, उसमें एक पूरा लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा, उनको हाई कोर्ट जाके क्वेश्चन करवानी होगी, ये पूरा जो प्रोसीजर चलेगा वही पूरा बर्डन सम हो जाएगा हमारे लीगल सिस्टम पे। इन माय ओपिनियन दिस काइंड ऑफ FIR शुड बी अवॉइडेड। स्टूडेंट्स को अगर कोई भी मसला था या स्टूडेंट से अगर किसी को भी मसला था तो SI कुड हैव अप्रोच द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कि आप अपने स्टूडेंट्स को बोलिए कि इस तरह से नहीं करें, इस तरह का कोई कार्य नहीं करें, उससे हम लोगों को परेशानी आ रही है, किसी सरकारी कार्य में बाधा पड़ रही है। लेकिन इस तरह का कोई भी घटना नहीं हुआ है, वो सीधा OP से उठकर सिविल लाइंस के थाने में जाना और FIR कराना ये पूरी तरह से ट्रिवियल मैटर है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब ऐसा सेक्शंस लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनता था, और इसको बातचीत से मामले को सुलझाया जा सकता। कैप साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई जिसके बाद प्रशासन ने 4 छात्रों के ऊपर FIR प्राथमिकी दर्ज करवाई है, ये कब की घटना है, पूरा मामला क्या है, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये तकरीबन 2-3 दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स ने एक रैली निकाली फिलिस्तीन के सपोर्ट में,
और जो इजरायली बॉम्बार्डमेंट्स या वायलेंस जो फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ हो रही थी उसके खिलाफ निकाली थी रैली, जो एक आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिस है एमयू स्टूडेंट्स की, कि आपने देखा होगा पास में भी, आप न्यूज़ देख लें या और बाकी सोर्सेस से पता करें कि कोई भी ऐसे मुद्दे होते हैं ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के या स्टूडेंट राइट्स वायोलेशंस के या देश दुनिया में ऐसे जितने भी मुद्दे होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी उनको स्टैंड करना उनके साथ, तो वो उनके समर्थन में या विरोध में हमेशा से निकालते हुए आए हैं। और उसी क्रम में ये मार्च लड़कों ने निकाला, जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में निकाला, और इसराइल के जो अग्रेशन है, इसराइल का जो वायोलेशन है फिलिस्तीन में, गाजा में फिलिस्तीनियंस सिटीजन्स और उनके खिलाफ, उसके खिलाफ एक मार्च निकाला जो जिसमें बहुत से लड़के शरीक हैं। कैंपस में एक प्रैक्टिस होती है, वन थिंग इज अ प्रैक्टिस एंड अनदर थिंग इज द लॉ। तो व्हाट एवर द लॉ इज, बट द प्रैक्टिस जो हमारे वहाँ फॉलो की जाती है वो ये है कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो इन मुद्दों पे वक्तन फवक्तन जो है अपनी राय रखती है, प्रोटेस्ट मार्च निकालती है, और ये प्रैक्टिस है। और जो जो बात करी जा रही है कि परमिशन नहीं ली गई थी, सो देर इज अ प्रैक्टिस की अगर आप पीसफुल तरीके से वेल विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ एंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ द लैंड, आप अगर कोई मार्च निकालते हैं या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन करते हैं, तो उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी में अगर आप जो है इसको जानना चाहेंगे तो कोई परमिशन की खास जरूरत नहीं होती है। तो आमिर जी, हम अगर महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया है उनका स्टांस देखेंगे, उनके पीरियोडिकल एक हरिजन पीरियोडिकल जो उनका आता था उनमें उनके लेख शाये हैं 1938 26 नवंबर के लेख में, वो कहते हैं कि फिलिस्तीन अरबों का, उस तरीके से अरबों का हक है फिलिस्तीन पे जिस तरीके से एक इंग्लिश मैन को इंग्लैंड पे हक है, जिस तरीके से एक फ्रेंच मैन को फ्रांस पे हक है, उसी तरीके से अरबों का हक फिलिस्तीन पे मैं मानता हूँ। और महात्मा गांधी ने स्ट्रांगली वो फिलिस्तीन के समर्थन करते थे, उन्होंने उन्होंने कहा, उन्होंने वक्तन फवक्तन ये बात कही भी थी कि हमें जो है ऐसा नहीं जो है करना चाहिए कि एट द कॉस्ट ऑफ द फलस्तीनियन लाइफ, अगर वो इसराइल को या ज्यूस को वहाँ अगर अपने मन से स्वेच्छा से बसाना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे कैन नॉट फोर्स। और हम बात करें कि अगर इंडिया का क्या स्टांस है, इंडिया का क्या रोल है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2018 एंड 2019 में ये दोनों साल आप अगर देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पे ये इंडिया का स्टैंस जो है अवेलेबल है कि इंडिया फिलिस्तीन बायलेटरल रिलेशंस, इंडिया सपोर्ट फॉर द फिलिस्तीनियन कॉज, इसमें आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। इंडिया जो है, इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन अरब नेशन जिसने 1974 में जो है पीएलओ को, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया था। 1996 में इंडिया फर्स्ट कंट्री जो है जो स्टेट ऑफ फलस्तीन अपना रिप्रेजेंटेटिव स्टेटिव ऑफिस उसने गाजा में खोला था। इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वक्तन फवक्तन सपोर्ट करता रहा है फिलिस्तीनियन कॉज को। इंडिया जो है वो अगर बात करें तो रिसेंटली लास्ट ईयर मेरे ख्याल से एक एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जारी किया था जो यूएन में गया था कि हम जो है वो फलस्तीन के कॉज में, फलस्तीन के समर्थन में हम हैं, और इंडिया का ये स्टांस रहा है। तो मैं ये इन चीज़ों से मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि ऑन वन हैंड और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ 4-5 साल पहले जो वो फिलिस्तीन विजिट कर चुके हैं, वहाँ विजिट करके उन्होंने जो है अपने सपोर्ट का और बहुत सारी जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया फलस्तीन में बायलेटरल रिलेशंस में जो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ये चीज कह रही है कि जो है वो इंडिया फलस्तीन में ये रिलेशंस है। ये तो तय है कि अब सरकार ही तय करेगी कि आपको किस पक्ष में बात रखनी है, और ये भी तय करेगी कि क्या बात रखनी है। इन सब के बाद भी हम कहेंगे कि देश में लोकतंत्र है, लेकिन इसी तरह लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी चल रही है। मीडिया संस्थानों पर छापे पड़ रहे हैं,
पत्रकारों पर यूएपीए लग रहे हैं। बूढ़े स्टैन स्वामी की जेल में मौत हो जाती है, लोग चुप रहते हैं। उमर खालिद 3 सालों से अधिक समय से जेल में बंद हैं, लोग चुप रहते हैं। प्रोफेसर के फ़ोन जब्त किए जाते हैं और फिर भी लोग चुप रहते हैं। और इन सब के बीच हमारा देश G20 समिट की अगुवाई करता है और वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान दुनिया को देकर विश्वगुरु बनने की तैयारी करता है। आपको ये हमारी पूरी वीडियो रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहें निर्भीक होकर बिना डरे बिना झिझके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक्स दिए गए हैं, आप उन अकाउंट्स पर भी हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।